आज का हमारा विषय है मूल्य शिक्षा की आवश्यकता। मूल्य परिचय के ही अंतर्गत दूसरा लेसन मूल्य शिक्षा की आवश्यकता। जैसा कल हमने जाना था कि मूल्य क्या है, मूल्य की प्रकृति कैसी होती है, उसके लक्षण और उसका निर्धारण, आज हम जानेंगे कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता शिक्षा के अंतर्गत क्यों है। क्या मूल्य पहले से विद्यमान नहीं है या फिर मूल्यों की प्रामाणिकता खोती जा रही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसा आप जानते हैं कि जब कोई अनुसंधान आविष्कार या खोज की जाती है तो वह तभी होती है जबकि उसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है। स्टूडेंट्स, आप सभी इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं कि जो कार्य हम करते हैं कहीं ना कहीं उसकी इम्पॉर्टेंस होती है। तो क्या आज हमारी शिक्षा के अंतर्गत मूल्य खो रहे हैं, है या नहीं? अगर है तो किस स्थिति में, क्यों हमें आज आवश्यकता है कि शिक्षा के अंतर्गत मूल्यों का समावेश होना चाहिए? क्योंकि जो जिस तरह से विद्यार्थी का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, आज हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे अपने स्तर से नीचे गिरता जा रहा है, अर्थ ही उसके लिए सर्वोपरि हो गया है। इसीलिए आज पुनः आवश्यकता है कि शिक्षा के अंतर्गत मूल्यों का समावेश हो। सबसे पहले जीवन शैली के परिष्कार हेतु, जीवन शैली जीने का ढंग या तरीका। और जीवन शैली का निर्माण होता है विचारों से, व्यवहार से, आचार और परिष्कार से। तो जीवन शैली हमारे आचार और व्यवहार से बनती है। आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जीवन शैली दो प्रकार की होती है, पहली स्वस्थ जीवन शैली और दूसरी रुग्ण जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली हम उसे कहेंगे जिसमें कि जिसके विचारों में सकारात्मकता होती है, अर्थात जिसके विचार सकारात्मक होंगे उसका व्यवहार सकारात्मक होगा और उसकी क्रियान्विति भी उसी अनुरूप होगी, अर्थात वह अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करेगा। लेकिन रुग्ण जीवन शैली वाला व्यक्ति, विद्यार्थी अपने गलत आचार व्यवहार की वजह से अपने कार्यों को भी गलत अनैतिक ढंग से करना शुरू कर देता है और यही अनैतिकता उसके जीवन को अस्त व्यस्त बना देती है। अतः आवश्यकता होती है मूल्य शिक्षा की, उसके द्वारा जीवन शैली को परिष्कृत किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत उपभोक्तावादी संस्कृति को कम करने हेतु उपभोग करना गलत नहीं है, गलत है उसका अति प्रयोग। अगर केवल उपभोगवादी ही व्यक्ति बन जाता है तो वह भौतिकता में खोकर रह जाता है। आज चूंकि वैज्ञानिकता का युग है, विज्ञान की इस चकाचौंध में व्यक्ति ने स्वयं को एक मशीन बना लिया है और इसी कारण वह केवल और केवल कार्य के प्रति, धन उपार्जन के प्रति अपने आप को केंद्रित कर रहा है और इसी वजह से उसका सुख, संतोष और कार्य के प्रति समर्पण कहीं खोता जा रहा है। तो इसके लिए आज आवश्यकता होती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को समझे, उन पर अंकुश लगाए और एक सही ढंग से मूल्यवान जीवन को प्रयोग करे। अपने जीवन को उच्च स्तर का बनाने के लिए उसे उपभोग के दायरे को सीमित करना होगा, तभी वह अच्छे रूप में स्वयं को सामने ला सकता है। अनैतिकता को दूर करने हेतु व्यक्ति अर्थ के प्रति इतना अधिक जागरूक है, हालांकि जीवन के लिए अर्थोपार्जन आवश्यक होता है, लेकिन केवल अर्थ के लिए जीने से व्यक्ति अपने नैतिक स्तर से नीचे गिर जाता है और उसका स्तर, वह अपने स्तर को इतना नीचे गिरा लेता है कि धन के लिए कि कोई भी अनैतिक कार्य कर जाता है। और इससे भी बड़ी विडंबना ये है विद्यार्थियों कि आज जैसे हम देखते हैं जो व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहे हैं वे उच्च पद को सुशोभित हो रहे हैं, तो बालक जब ऐसी प्रक्रिया को देखता है, ऐसे लोगों को देखता है, उनके आचार व्यवहार को देखता है तो उसे लगता है कि कोई भी कार्य करने के लिए सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता से कार्य नहीं होगा, तो वह भी अनैतिक आचरण करना शुरू कर देता है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी कार्य अंतिम रूप में सफल तभी होता है जबकि आप सही मार्ग पर चलकर अपने कार्यों को करते हैं। इसीलिए मूल्य शिक्षा में नैतिकता का होना अति आवश्यक है। अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे होगा?
प्रत्येक व्यक्ति जीवन अच्छा जीना चाहता है, अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहता है, लेकिन जब तक व्यक्ति के आचार व्यवहार में मूल्यों का समावेश नहीं होगा, वह सही गलत की पहचान नहीं करेगा, तब तक अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे संभव है। एक बालक जो सही गलत को नहीं समझता, अच्छाई बुराई को नहीं समझता, वो कल हमारे देश के लिए अच्छा भविष्य कैसे हो सकता है। अतः यह आवश्यकता है कि मूल्य शिक्षा बालक को शुरू से ही दी जाए, जिससे कि वह अच्छे कार्यों में अपनी ऊर्जा को खर्च करे और अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। प्राचीन एवं अर्वाचीन में समन्वय हेतु। प्राचीन संस्कृति योग की संस्कृति, अर्वाचीन संस्कृति विज्ञान की संस्कृति। एक तरफ योग है, एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ भौतिकता है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल योग अच्छा है या केवल विज्ञान अच्छा है, ना ही ये संभव है कि हमें केवल आध्यात्मिकता का प्रयोग करना चाहिए या पूरी वैज्ञानिकता अच्छी हो सकती है। दोनों ही चीजें अपने अपने स्थान पर उपयोगी है, लेकिन इस चीज की समझ की आवश्यकता है कि हम दोनों के मध्य सामंजस्य करके चले। जब तक आप दोनों के अंदर सामंजस्य नहीं करते हैं, तब तक संतुलन पैदा नहीं होगा, और जहां संतुलन नहीं होता वहां अव्यवस्थाएं स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। अतः आवश्यकता है कि दोनों के अंदर संतुलन से कार्य किए जाए, और मूल्य शिक्षा हमें वह संतुलन सिखाती है। स्व अस्तित्व की पहचान हेतु। स्व अस्तित्व अर्थात अपने आप को जानना। यहाँ विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं, अपने आप को जानने से अर्थ है कि आप कौन हैं। जैसे ही यह प्रश्न आता है हम अपना नाम बताते हैं, अपनी जगह से अपनी पहचान बताते हैं, लेकिन हमारी पहचान केवल हमारा नाम या जगह नहीं। स्व अस्तित्व से अर्थ है अपने आप को जानना। आप क्या हैं, कौन हैं, आपके गुण क्या, आपकी विशेषताएं क्या, और कैसे आप अपनी इन विशेषताओं को और अधिक सुधार सकते हैं, उससे आप अपना विकास कैसे और अधिक कर सकते हैं। तो स्व अस्तित्व की पहचान के लिए मूल्य शिक्षा अति आवश्यक है। यदि आप मूल्यों को जानते हैं, आपने महत्वपूर्ण हमारे अनेकों महापुरुष इतिहास में हुए हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि कैसे उन्होंने कठिन परिश्रम के द्वारा अपने जीवन में अनुशासन को अपनाया, और अनुशासन ने ही उनकी एक अलग पहचान दी। अत आवश्यकता है कि मूल्य शिक्षा आवश्यक है। मूल्य परक रोजगारोन्मुखी शिक्षा हेतु। शिक्षा का एक उद्देश्य है रोजगार उन्मुखी होना आवश्यक है। जो व्यक्ति, जो बालक शिक्षा ग्रहण करता है, वह अच्छा रोजगार प्राप्त करना चाहता है। यदि शिक्षा ही ऐसी दी जाए जिससे कि व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात स्वतः ही एक अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सके, तो अनैतिक आचरणों के प्रति व्यक्ति अपने आप हटता जाएगा, वह गलत आचरण करने की सोचेगा ही नहीं। क्योंकि जिस तरह की शिक्षा आज हम अपने आसपास देख रहे हैं, केवल डिग्री दी जा रही है और ज्ञान का अभाव है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शिक्षा का महत्व नहीं समझा जा सकता, और ज्ञान में भी यदि मूल्यों का समावेश है तो व्यक्ति स्वतः ही अपने रास्तों के बारे में और सही गलत के बारे में पहचान कर सकता है, और आगे चलकर अर्थोपार्जन भी कर सकता है। सामाजिक पार्थक्य से मुक्ति। सामाजिक पार्थक्य से अर्थ है समाज से कटना या समाज से अलग होना। आज जिस तरह से व्यक्ति स्वयं के प्रति केंद्रित होता जा रहा है, अर्थात छोटे छोटे हितों के प्रति दूसरे का अहित करना छोटी और आसान सी बात लगती है, लेकिन यदि व्यक्ति इस तरह से छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों का अहित करेगा और स्वार्थपूर्ण व्यवहार करेगा, तो समाज देश का हित कैसे संभव है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि शिक्षा में बालक को ये समझाया जाए कि आपको अपने लिए सोचना है, लेकिन आपके साथ केवल आप ही नहीं, आपका परिवार, समाज, देश और ये पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे आप विकास करते हैं, वैसे वैसे ही आपके साथ साथ परिवार, समाज और देश का भी विकास होता है। अतः व्यक्ति को सामाजिक पार्थक्य से मुक्ति हेतु मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। सहचरित नागरिकों के निर्माण हेतु। चरित्र व्यक्ति का दर्पण होता है।
अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति स्वतः ही पहचान लिया जाता है, और अगर व्यक्ति के चरित्र में बुराइयां हैं तो उसकी पहचान भी बुरे व्यक्ति के रूप में हो जाती है। लेकिन अच्छे चरित्र का निर्माण कैसे हो? जब बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका चरित्र भी अच्छा बनता है। जैसे एक बालक ने स्कूल में से किसी पेंसिल या रबर को उठाया और घर पर उसे इस चीज़ के लिए टोका नहीं गया, कि वो बालक नहीं जानता कि उसने जो कार्य किया है वो गलत है या सही है, और इस सही या गलत की पहचान करवाना परिवार शिक्षक का दायित्व होता है। तो सहचरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है, वह शिक्षा चाहे परिवार से मिले या विद्यालय से। मूल्य अगर शिक्षा के अंदर समाहित है तो अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। मूल्य आधारित राजनीति हेतु, विद्यार्थी गण आप जानते हैं कि यदि राजा अच्छा होता है तो प्रजा स्वतः ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारा राजा अनुशासन को पालन करने वाला है, अगर हमने अनुशासनहीनता की तो हमें दंड मिलेगा। इसी भय से व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता, यथा राजा तथा प्रजा। अतः अगर राजा की व्यवहार में मूल्य है, राजा के आचार में मूल्य है, तो प्रजा भी उसी का अनुसरण करती है। इसीलिए मूल्य आधारित राजनीति भी अति आवश्यक है। एक देश का शासन, वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संपूर्ण राजनीति मंडल चलाता है, तो मूल्य अगर उन व्यक्तियों में समाहित होंगे तो देश की राजनीति भी अच्छी होगी। मूल्य की शिक्षा एवं विद्यालयीकरण, हम मूल्यों की बातें कर रहे हैं, मूल्य शिक्षा की बातें कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मूल्य शिक्षा का महत्व उसकी पाठशाला से शुरू होता है, उसके विद्यालय से शुरू होता है, और इसीलिए आवश्यकता होती है कि पाठ्यक्रम के अंदर मूल्यों का समावेश हो। पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित होना चाहिए जिसमें कि मूल्य बच्चे को बचपन से ही सिखाए जाएं, क्योंकि बचपन वह समय होता है जो गीली मिट्टी की तरह होता है, उसको जैसा आकार प्रकार विद्यालय के अंदर दिया जाता है वह वैसा ही बनकर हमारे सामने आता है। तो बालक को यदि अच्छी शिक्षा दी जाएगी, मूल्यवान शिक्षा दी जाएगी, मूल्यों का महत्व बताया जाएगा, तो वह बालक वैसे ही दिनों दिन उन्नति करता जाता है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि पाठ्यक्रम के अंदर मूल्यों को समावेशित किया जाए, क्योंकि राष्ट्र की समस्याएं केवल राजनेताओं के द्वारा दूर नहीं होती। राष्ट्र की समस्याओं का निदान करने के लिए प्रत्येक उस देश का नागरिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही तो उन राजनेताओं का चुनाव करते हैं। यदि आपके अंदर सही गलत की पहचान है, आप अच्छे बुरे के बारे में जानते हैं, तो सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे, और यह सही गलत की पहचान हमें सबसे पहले विद्यालय से मिलती है। और विद्यालय में अगर प्रतिदिन वही प्रक्रिया यानी मूल्यवान प्रक्रिया आपके साथ दोहराई जाएगी तो आप उसे सही ढंग से सीख जाएंगे। फिर बात आती है शिक्षण तकनीक की। शिक्षण तकनीक का अर्थ है शिक्षा का वैज्ञानिक तरीका। जहां बात विज्ञान की आती है वहां नियम स्वतः ही जुड़ जाते हैं, और नियम का अर्थ होता है एक्यूरेट थिंग यानी सही तरीका। शिक्षा के अंतर्गत जब व्यक्ति को सही तरीके से पाठ्यक्रम को समझाया जाता है, बताया जाता है, तो वह चीज़ उसके दिमाग पर एक प्रभाव छोड़ती है। जैसे हम विषय की बात करें तो विषय की अलग अलग प्रकृति होती है, हिंदी है, इतिहास है, विज्ञान है, ये सारे अलग अलग विषय हैं और इनकी प्रकृति भी अलग अलग है। इतिहास की बात करें तो इतिहास एक सैद्धांतिक विषय है जिसमें केवल थ्योरी बताई जाती है, सिद्धांतों की बातें की जाती है, लेकिन जहाँ विज्ञान की बात आती है वहाँ सिद्धांत और प्रयोग दोनों आ जाते हैं, और जहाँ प्रयोग समाहित होता है वहाँ पर अभ्यास बढ़ जाता है, और जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है वह हमारे मन मस्तिष्क पर अपना एक अलग प्रभाव रखती है, और उसी के कारण व्यक्ति के अंदर वह लंबे समय तक एक स्थायी रूप ग्रहण कर लेती है। इसीलिए शिक्षण तकनीक के अंदर सैद्धांतिकता के साथ साथ प्रायोगिक भाग का होना भी अति आवश्यक है, और योग विषय में हमें सिद्धांत, प्रयोग और अभ्यास तीनों को समाहित
करते हैं और तीनों का अभ्यास निरंतर किया जाता है। फिर बात आती है शिक्षक की भूमिका। पाठ्यक्रम सही है, शिक्षण तकनीक सही है, लेकिन यह शिक्षा कब प्रभावी होगी, इसके लिए महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षक। शिक्षक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि शिक्षक का आचार व्यवहार सही है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, वह भले बुरे की अच्छे ढंग से पहचान कर सकता है, तो उसकी शिक्षण तकनीक स्वतः ही प्रभावी हो जाती है। अगर शिक्षक का स्वयं का व्यक्तित्व मूल्यवान है, उसका आचार अपने कथनी के अनुसार है, तो विद्यार्थी उससे स्वतः ही प्रभावित होता है। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हमारे जीवन में होते हैं, हम ढेरों लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर अमिट रहता है, उन्हें हम हमेशा याद रखते हैं, तो वह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से होता है। अत आवश्यकता होती है शिक्षक का प्रभावशाली होना। विद्यालय कार्यक्रम में मूल्य। विद्यालय कार्यक्रम में प्रतियोगिता, वाद विवाद, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं और ये सभी कार्यक्रम शिक्षा के साथ साथ अपनी एक महती भूमिका अदा करते हैं। यदि इन कार्यक्रमों में मूल्यों को समावेशित कर दिया जाए, तो बालक को अपने व्यक्तित्व को निखारने में और सामने परिलक्षित करने में और अधिक प्रभावशाली ढंग से योगदान देंगे। विद्यालय वातावरण में मूल्य। यदि शिक्षक अपने कार्य को सही ढंग से कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्राचार्य और शिक्षक की अंतःक्रिया, शिक्षक और विद्यार्थी की अंतःक्रिया और प्रबंध कमेटी और शिक्षक प्राचार्य की अंतःक्रिया, इनका व्यवहार भी विद्यालय में मूल्य शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अत आवश्यकता होती है कि विद्यालय के अंतर्गत जो भी गतिविधियां या कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी में मूल्य शिक्षा समाहित हो। मूल्य विकास में परिवार की भूमिका। अभी तक हमने जाना विद्यालय की भूमिका के बारे में, अब हम जानेंगे परिवार की भूमिका। परिवार को विद्यार्थी की प्रथम पाठशाला माना जाता है और वहीं से बालक अपने व्यक्तित्व का, अपने कर्तृत्व का निर्माण करना शुरू करता है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसे मूल्य जन्मजात मिले हैं, अर्थात हम भारतीय संस्कृति में मूल्यों की अमिट छाप को देखते हैं। परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्थावान। भारतीय संस्कृति में जो परंपरागत मूल्य है, अर्थात जो एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव है, सहयोग और दया का भाव है, मैत्री का भाव है, ये हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं। लेकिन यदि इनके प्रति परिवार बालक को बचपन से सिखाए एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना, करुणा का भाव रखना, सहयोग करना, यदि ये मूल्य बचपन से बालक में रहेंगे, तो धीरे धीरे बालक इनके साथ आगे बढ़ता है और ये उसके जीवन में समावेशित हो जाते हैं। इसीलिए अति आवश्यकता होती है पारिवारिक वातावरण में मूल्यों के स्थान की। केवल कहने से कोई कार्य नहीं किया जा सकता, उस कार्य को करने के लिए स्वयं के व्यक्तित्व में उसको स्थान देना अति आवश्यक होता है। यदि परिवार में बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी लोग मूल्यवान व्यवहार करते हैं, अगर वे बड़ों का सम्मान करते हैं, तो बालक उन्हीं का अनुकरण करता है और उनको देखकर बड़ों का सम्मान करना सीख जाता है। अगर एक दूसरे के साथ दया करुणा का भाव रहता है, तो बालक भी उसी प्रक्रिया का दोहरान करता है। इसी के साथ आपसी विचार विमर्श करना। केवल कहने और करने से ही नहीं, जब माता पिता अपने बालक के साथ अच्छी बातों को शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आज ये कार्य हुआ और इसको करने से क्या सही था क्या गलत था, तो बालक धीरे धीरे उनके विचार विमर्श को सुनते हुए स्वयं सोचने समझने लगता है और उनके प्रति जागरूक बनता है, और बच्चे की मूल्यों के प्रति जागरूकता उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि मूल्यों के जीवन में क्या उपयोगिता है और उन्हें अपने जीवन में इन मूल्यों को समावेशित करना चाहिए। फिर बालक स्वयं उनके प्रति जागरूक होता है और मूल्यों को अपने जीवन में उतार लेता है। कई बार वह कार्य जो हम चाहते हैं, यानी अगर हम अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, तो केवल सोचने से नहीं होता। जब हम अपने बड़ों को
अच्छा व्यवहार करते हुए देखते हैं, दूसरों के प्रति करुणा या दया का भाव करते हुए देखते हैं, तो उससे बालक को लगता है कि मुझे भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए और वह स्वतः ही सही व्यवहार करने लग जाता है। स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर देना। यदि परिवार के अंदर बालक को स्वयं के निर्णय लेने का अवसर दिया जाता है तो बच्चा और अधिक सीखता है। अगर माता पिता बालक के साथ हमेशा ये कहते रहे कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो बालक को स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है। वह हमेशा जब भी कोई कार्य करेगा अपने बड़ों की तरफ देखेगा और कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर मुश्किलों के साथ बालक को छोड़ दिया जाए और उसे स्वयं निर्णय लेने दिया जाए, तो धीरे धीरे सही गलत की पहचान होती है, अच्छे बुरे को जानने लगते हैं और उसमें इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है और वह स्वतः ही अपने कार्यों का निर्णय लेना शुरू कर देता है। इसीलिए परिवार में यह आवश्यकता है कि पारिवारिक सदस्य बालक को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर दे। रुचि पैदा करना। क्योंकि मानव की प्रकृति अलग अलग होती है, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। किसी को मूल्यों के प्रति आस्था होती है, रुचि होती है, इच्छा होती है, लेकिन सभी में ऐसा ही हो यह आवश्यक नहीं है। माता पिता का यह दायित्व होता है कि वह बालक को किसी अच्छे कार्य के प्रति, जैसे ईमानदारी हो सकती है, सहिष्णुता हो सकता है, करुणा का भाव हो सकता है, इनके प्रति बालक में रुचि पैदा करे। उन्हें ये समझने का मौका दे कि इन कार्यों को करने से क्या अच्छा किया जा सकता है, और इस अवसर की वजह से बालक धीरे धीरे उन मूल्यों के अंदर अपनी रुचि दिखाने लगता है और इसके वजह से वह धीरे धीरे सीख जाता है कि किस तरह से उसे इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आत्मविश्लेषण की प्रेरणा देना। जैसे योग में हम सीखते हैं कि पूरे दिन में हमने क्या किया, उसकी एनालिसिस हमें करनी चाहिए, इसी तरह से परिवार की भी अपनी एक भूमिका है, उसका कर्तव्य है कि वह बालक को आत्मविश्लेषण करने की प्रेरणा दे कि आपने जो कार्य किए या आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसका असर क्या होगा, क्या वो सही है या गलत, यदि गलत है तो आपने ऐसा क्यों किया। यदि बच्चा इस चीज़ को सीखने और समझने लगता है कि वह जो कार्य करने जा रहा है क्या उसकी उपयोगिता है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, इस विश्लेषण से, इस आंकलन से बालक सही गलत की पहचान करता है और आगे के लिए अच्छे कार्य करने के लिए उत्सुक बनता है। अतः माता पिता का दायित्व होता है कि वे बालक को आत्मविश्लेषण की प्रेरणा दें। इतना ही नहीं, पुरस्कार भी कई बार अच्छे कार्य अपनाने के लिए सहयोगी साबित होता है। यदि बालक जब जब अच्छे कार्य करता है माता पिता उसे पुरस्कृत करें, जरूरी नहीं कि वह पुरस्कार किसी राशि के रूप में हो, किसी वस्तु के रूप में हो, केवल वेरी गुड, बहुत अच्छा या शाबाश कह देने से ही बालक उत्साहित हो जाता है। और जब जब वह अच्छा कार्य करे, अगर उसे पुरस्कृत किया गया तो धीरे धीरे वह अच्छे कार्य को करने के लिए उत्सुक रहेगा। और इसी तरह से दंड भी अपने आप में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे उस गलत कार्य के लिए दंड दिया जा सकता है, जिससे कि उसे समझ में आए कि यह कार्य उसे नहीं करना चाहिए। अन्य सुधार कार्यक्रम करना। परिवार में बालक को अन्य सुधार कार्यक्रम भी करवाए जा सकते हैं, जैसे संगोष्ठी करना, समाज के अन्य लोगों से मिलना और उनके साथ विश्लेषण करना, ये सारी भूमिकाएं भी बालक के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। मूल्य विकास में समाज की भूमिका। सामाजिक संवेदन। सामाजिक संवेदन का अर्थ है समाज के प्रति जागरूक रहना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को समझना और समाज के प्रति दया, मैत्री और करुणा का विकास करना। समाज संबंधों का एक जाल है, प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ रहता है। यदि व्यक्ति समाज के कार्यों में अपनी भागीदारी देता है, उसके हित को अपना हित समझता है, तो सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन
जिस तरह की अनैतिकता को आज हम अपने आसपास देखते हैं, व्यक्ति स्वार्थ मूलक होकर केवल अपने ही हित की बात करता है और यही स्वार्थ मूलकता उसके स्तर को इतना नीचे गिरा देती है कि वह अपनी नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहता। इसका कारण केवल ये है कि व्यक्ति के अंदर सामाजिक मूल्य नहीं है या उन सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इसीलिए मूल्य विकास में समाज अपनी एक महती भूमिका निभाता है। अगर कोई व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है तो समाज का दायित्व है, समाज के लोगों का यह दायित्व है कि उसमें सामाजिक संवेदन पैदा करे और समाज के प्रति उसे जागरूक बनाए। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, इसके अंतर्गत समाज, व्यायामशाला, क्रीड़ा स्थल और मनोरंजन के कार्यक्रम को लागू कर सकता है। ये सारे कार्यक्रम ना केवल शरीर और मन को प्रभावित करते हैं अपितु समाज के लोगों से आपस में मेलजोल को बढ़ाते हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ तालमेल सामंजस्य करना सीखते हैं तो उससे धीरे धीरे मन मजबूत होने लगता है, समस्याएं स्वतः समाप्त होने लगती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावी बनने लगता है। और एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे के साथ सहयोग करके व्यक्ति अपनी कमियों को दूर कर सकता है और अपने व्यक्तित्व में अच्छाइयों का विकास कर सकता है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक प्रतियोगिता जो आजकल देखने को मिलती है, लेकिन यह स्वस्थ पहलू नहीं है। व्यक्ति को सकारात्मक प्रतियोगिता को ध्यान में रखना चाहिए। समाज के अंदर जब भी कोई भी वाद विवाद, खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उसमें स्वस्थ और सकारात्मक सोच के साथ भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे वह स्वयं का और समाज दोनों का हित कर सके। इसी तरह से सम्मेलन, नाटक मंचन या प्रदर्शनी और मेले, इन सबके द्वारा भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलता है, उनसे तालमेल समायोजन करना सीखता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और धीरे धीरे इसी आदान प्रदान के द्वारा वह अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक और अधिक मजबूत या समाज के हितार्थ बना सकता है। अतः मूल्य विकास में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। राष्ट्रीय उत्सव और समारोह का आयोजन करना, मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए अति आवश्यक है कि हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो भी उत्सव या समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, हम उनकी उनमें अपनी भागीदारी निभाएं। केवल ये समझ लेना कि यह कार्यक्रम मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है या मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है तो हम इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे, इससे हम धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं। लेकिन समाज एक व्यक्ति से ही, के समूह से ही बनता है, और समाज तभी प्रभावी या मजबूत हो सकता है जब व्यक्ति की सोच में प्रभाविता हो। उसकी सोच में प्रभावशीलता ही समाज को प्रभावशाली बनाती है। इसीलिए उत्सव या समारोह का निरंतर आयोजन होते रहना चाहिए और इसमें भागीदारी भी आवश्यक होती है। सहचरित्र राजनेताओं का चुनाव करना, व्यक्ति, समाज के लोग मिलकर ही नेता का चुनाव करते हैं। अब नेता कैसा होना चाहिए और कैसे व्यक्ति का आप चुनाव करते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो रहा है तो वह समाज को भी आगे बढ़ाएगा। अगर हम किसी व्यक्ति को दोष देते हैं तो उससे पहले स्वयं का विश्लेषण करना आवश्यक है कि जब आपने उस व्यक्ति का चयन किया तब आपने ये नहीं सोचा कि वह कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है। तो अतः आवश्यकता होती है कि हम इन बातों का विश्लेषण करें कि कौन व्यक्ति समाज के लिए अपनी सहभागिता दे रहा है और वह समाज को कितना आगे बढ़ा सकता है। जैसे अब्दुल कलाम एक ऐसा व्यक्तित्व, और ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे समाज में हैं जो हमारे देश हित के लिए कार्य करते हैं। और इसी तरह से समाज को भी पुरस्कार देकर ऐसे व्यक्तियों को, फिर वही कि पुरस्कार में राशि से संबंध नहीं है, वह पुरस्कार शब्दार्थ भी हो सकता है और या अन्य तरह से सम्मान के रूप में दिया जा सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करके समाज
में मूल्यों को समावेशित करके अपनी भूमिका का अदा कर सकता है और समाज को प्रभावी बना सकता है। आज हमने शिक्षा के अंदर मूल्यों की आवश्यकता को पढ़ा। मूल्य शिक्षा समाज में कितनी आवश्यक है, कितना आज उसके अंदर समाज में उपयोग हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो किस तरह से हम उनको समाज में लागू करें, ये एक विचारणीय प्रश्न है और इस पर प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करके उसे बहु उपयोगी बनाना चाहिए। कल हम जीवन विज्ञान और शिक्षा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।